वेलकम बैक टू न्यूज़ ब्लॉग। और आज बहुत दिनों बाद इसको निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनका अब सर्विस कराना है। यहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही, मतलब हैंडल से हमको तो लग रहा है यहाँ के जो बैरिंग रहता है वो फूट गया है। देखते हैं क्या है। अभी इनका पर्दा निकला है, बहुत दिन से तो खड़ी थी नेपाल राइड के बाद से, ये उधर RC खड़ी है, इधर ये है। बाकी चलते हैं सर्विस सेंटर पर, देखते हैं क्या है कैसे है, अभी वहीं पता चलेगा चल के क्या होना है क्या नहीं होना है। हेलो हेलो जी, हेलो। जो कह रहा था ना, ये पहले एंगल देख ले, सही नहीं थोड़ा आप सही है, ये हैंडल वाला देखना, अभी सुनाई देगा कट कट। अभी नहीं दिया, जब चाहो तब नहीं सुनाई देता है। अब तक इतना तेज़ सुनाई दे रहा था, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, जैसे लग रहा है हैंडल टूट के मेरे हाथ में ही आ जाएगा। देखो इस बार सुनाई दिया, तो वही डर लग रहा था। नहीं तो अभी तो हम इसको कराते एक महीने बाद ही, क्योंकि अभी सर्विस के भी 500-600 किलोमीटर बचे हुए हैं। लेकिन हमारे पिताजी ने कहा कि जितना 5000 का ही मत देखा करो, पहले करा देना चाहिए, उससे गाड़ी की लाइफ और बढ़ जाती है। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, कराना है ही, या अभी करा लें या बाद में करा, वैसे कराए रहेंगे तो बढ़िया ही है, क्योंकि अपने हमेशा के प्लान तो रैंडम वाले ही रहते हैं, कहीं प्लान बन गया जाना रहा तो चले जाएँगे आराम से। बाकी चलते हैं, आपको मिलते हैं सीधा रोड पे, अभी तो अपने घर के पास हैं। हाथ ना काला हो जाए मेरा धूप में एकदम। जाना है इसका ऑपरेशन कराने, ये भी बदलवाना है हमको, ये स्विच भी दोनों बदलवाना है। मतलब स्विच तो सही है, अभी ये इसलिए बदलवाना क्योंकि चार्जर तो सही है, तो अभी तक इसको लगाए हुए हैं इसलिए। बाकी इसका होल्डर टूट गया है, कोई लेके गया था एक दिन, पता नहीं कैसे तोड़ दिया। बाकी छोटे मोटे काम है, कोई ऐसा कुछ खास काम तो नहीं है, लेकिन ये हैंडल वाला काम छोटा मोटा नहीं है। अभी हमको पता है पिछले बार की तरह पूरा हैंडल इसका खोल देंगे सब। इतना बुरा लगता है ना जब आपके सामने आपकी गाड़ी का ये हाल हो, दिमाग खराब हो जाता है। एक तो यहाँ का जाम और ये धूल मिट्टी, पता नहीं कितने साल में सब बनाएंगे। 2 साल तो हो ही गया, हाँ 2 साल होने वाला होगा मेरे हिसाब से। तो अभी रात में कब माइक की सेटिंग किए थे कि विंड ब्लास्ट ना है, इसीलिए अभी थोड़ा स्पीड अप करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। वैसे शोरूम तो बगल में आ गया, आगे से टर्न लेना है, तब तक थोड़ा हो ही जाएगा। अगर काम कर गया और ट्रिक तब तो मज़ा आ जाए, नहीं आए तो, नहीं किया है तो फिर से कोई जुगाड़, नहीं तो कोई दूसरा माइक देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा था अभी जब हम वृंदावन ट्रिप करके आए हैं। एडिट करने बैठे देखे आवाज़ ही नहीं क्लियर आ रही, पूरा मूड ख़राब हो गया। बस भगवान करे अच्छे से चल जाए, मज़ा आ जाए। एक तो इतना महंगा हेलमेट लो, ऊपर से इतना महंगा माइक लो, जब आवाज़ ही ना क्लियर आए तो क्या फ़ायदा। ये आ गया शोरूम, यहाँ से लेना मैं लेफ्ट। यहाँ बन रही अपनी गाड़ी, तो भैया गाड़ी धुला चुकी है, चमक चुकी है। बिल में चेन स्प्रे नहीं लिखा था, लेकिन गार्ड भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते हैं, इसलिए फ्री में लगा दिए। अब इसको काटना पड़ेगा हमको, नहीं तो गलती से कोई रॉयल इनफील्ड वाला देख लिया
तो उनकी नौकरी खा जाएगा। बाकी अभी बच चुके हैं 3:20 हो रहा होगा, इसमें थोड़ा घड़ी पीछे हो गई है, 2:50 दिखा रहा है। तो अभी गाड़ी का काम हो गया है, अब अगला काम है पिताजी के कपड़े लाने हैं, तो उसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा जाम भरे एरिया में। दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए चलते ही हैं। बाकी अभी एक चीज़ बदल गया है रॉयल एनफील्ड में, अब जो इंजन ऑयल चेंज होता है वो 10,000 किलोमीटर पे होगा, मतलब आपके पैसे बहुत सारे बच गए, लगभग 2,000 रुपये बच जाएंगे, 1,500-2,000, क्योंकि 5,000 पे सिर्फ टॉपअप है, टॉपअप का ये लोग पैसा भी नहीं लिए हैं, वही ब्रेक पैड ऑयल फिल्टर थोड़ा बहुत तामझाम जो था वही था, बाकी फोर्थ सर्विस फ्री थी, अब इसके बाद तो पेड सर्विस ही है। लेकिन हम लोग ने एक्स्ट्रा प्लान भी ले लिया है, 1299 का था, 2-3 सर्विस उसमें फ्री है, 5% डिस्काउंट है हर पार्ट पे, भगवान करे पार्ट ना चेंज कराना पड़े कोई कभी, कभी के मतलब टाइम से पहले। रोड धुलाया है लग रहा है, हाँ धुलाया नहीं है, वो पानी चला रहा है ना उधर, इस वजह से हुआ है। तो हमारे बगल में आ चुका है पासपोर्ट ऑफिस, कल यहाँ भी आना है क्योंकि एक जगह जाने की तैयारी चल रही है, उसी से रिलेटेड थोड़ा काम है कि वीज़ा ऑन अराइवल होगा कि वीज़ा पहले से ही लगवाना है, यही थोड़ा सा तामझाम चल रहा है। बाकी सूरज देवता कुछ ज़्यादा ही तेज अपनी किरणों को प्रकट कर रहे हैं, इस वजह से हाथ काला हो जाएगा पूरा, अब लग रहा है अब कल से फुल स्लीव पहन के निकलना पड़ेगा। तो जो हमें लग रहा था वही हुआ, SMK का वाइज़र पूरे गोरखपुर में कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये तो डेलाइट वाला है, वाइट वाला वाइज़र है, ट्रांसपेरेंट, लेकिन हमको टैन वाला चाहिए जिससे धूप आँख पे ना लगे, अभी इस समय इतनी तेज़ धूप हो रही है पूरा आँख पे ही लग रहा है, गाड़ी चलाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अब देखते हैं, या तो ऑनलाइन मंगाएंगे या तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कोई जाएगा तो लेके आएगा। बाकी अभी योगी जी आए हैं इसलिए हर जगह देखिए आपको पुलिस दिखेगी इधर उधर धूप में, अभी इसी रास्ते से जाने वाले हैं, तो इससे पहले जाम लगे हम लोग निकल लेते हैं घर और मस्त करते हैं आराम।